सिंपल फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का पता कैसे चलता है? एमआरआई में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ होता नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पाइल्स में मस से बाहर आ गए तो क्या ऑपरेशन करा लेना चाहिए या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? वेल सर, पिलोनेडल साइनस क्या क्यों होता है और सर्जरी कैसे होती है? रिकरेंस का चांस इसमें भी फिस्टुला की तरह रहता है। क्वेश्चन है, फिस्टुला कितने ग्रेड तक होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। दोस्तों, आज जिन शख्सियत के साथ मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, इनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। देश ही नहीं, दुनिया के जाने माने डॉक्टरों में से एक डॉक्टर पंकज गर्ग। डॉक्टर पंकज गर्ग सर आज ऐसे 15 सवालों के जवाब देंगे जिसके जवाब आप ढूंढते ढूंढते थक गए हैं लेकिन आपको मिलते नहीं है। तो बिना देरी करें दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। सर, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब पेशेंट ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको प्रॉपर मिल नहीं पाता है, तो मैं चाहूंगा कि आप प्रॉपर इनको गाइडेंस दे इन सवालों के। सर, पहला क्वेश्चन है, जलन हो रही है इसका मतलब फिशर है या पाइल्स भी हो सकता है, और फिशर का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट करवाना होता है? वेल, जलन फिशर पाइल दोनों में हो सकती है। ठीक है। फिशर का मेन सिम्टम होता है पेन। ठीक है। पाइल्स का मेन सिम्टम होता है मस से बाहर आना या ब्लीडिंग। ठीक है। लेकिन जलन दोनों में हो सकती है। ठीक है। पाइल्स डायग्नोज होते हैं प्रोक्टोस्कोपी करके, हम देखते हैं अंदर, तो ये टेस्ट नहीं है। कोलोस्कोपी करा लो पर वैसे दिख जाता है प्रोक्टोस्कोपी में। फिशर इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस, वो फिंगर से चेक करता है सर्जन तो पता लगता है फिशर है, पेनफुल है, तो इसका कोई टेस्ट नहीं है। कोई टेस्ट नहीं है, फिशर सिर्फ फिजिकली चेक होगा। ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन है सर, फिस्टुला सर्जरी के बाद सही होने में मिनिमम मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है और क्या इन फ्यूचर वापस से रिकरेंस हो सकता है? देखिए, मिनिमम टाइम तो फिस्टुला डिपेंड करता है किस तरह का। फिस्टुला एक बीमारी नहीं है। फिस्टुला 5 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जितना कॉम्प्लिकेटेड है उतना ज्यादा टाइम लग सकता है। अब सिंपल फिस्टुला 1.5-2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनमें 2.5-3 महीने लगते हैं कम से कम। कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कोई टाइम नहीं है। अगर ठीक हो जाए तो फिर तो ठीक है, ये तो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि एक्चुअल ठीक हुआ कि नहीं। कई बार बाहर से स्किन बंद हो जाती है, लोग सोचते हैं, काफी सर्जन भी सोचते हैं ठीक हो गया, अंदर पड़ा होता है। तो हमारा शायद सेंटर वर्ल्ड में अकेला सेंटर है जहाँ हम ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट जो कॉम्प्लेक्स है उसका एमआरआई करा के कंफर्म करते हैं फिस्टुला भर गया, फिर कहते हैं भर गया, डिस्चार्ज आ नहीं आ रहा, स्किन बंद होगी, उसको हम हील नहीं मानते। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो स्किन बंद हो गई, हील हो गया जी, 6 महीने बाद दोबारा हो गया, एक्चुअली वो हील कभी हुआ ही नहीं था। थर्ड क्वेश्चन है सर, पाइल्स में मस से बाहर आ गए तो क्या ऑपरेशन करा लेना चाहिए या मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है? वेल, ग्रेड 2-3 पाइल्स में उत्तर मस से बाहर आते हैं और धक्का मारना पड़ता है। ओके। लेकिन नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि इसका ऑपरेशन कर लेना चाहिए, पर हमने अब इस पे काफी काम किया है। हम एडवांस पाइल मतलब ये जिनके मस से बाहर आ रहे हैं और एडवांस फिशर्स दोनों को मेजोरिटी पेशेंट 95% to 98% पेशेंट्स हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर रहे हैं। सर, फोर्थ क्वेश्चन है, गुदा द्वार में बहुत ज्यादा खुजली होती है, ये किसके लक्षण है? वेल, जैसे पहले बात की, पाइल्स फिशर के लक्षण भी हो सकते हैं, कई बार वैसे भी सीना आ रहा है या कीड़े है उसके भी हो सकते हैं, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन या फंगल इन्फेक्शन वो टेस्ट करना जरूरी है। फिफ्थ क्वेश्चन है सर, पिलोनेडल साइनस क्या क्यों होता है और सर्जरी कैसे होती है? रिकरेंस का चांस इसमें भी फिस्टुला की तरह रहता है? वेल, पिलोनेडल साइनस में भी जैसे बाल और पसीना दो चीजें मिलके जो बटक में फोल्ड होते हैं वहां पे बाल चले जाते हैं, तो ये नॉर्मल एक्सरसाइज से फर्क है कि इसमें बाल होते हैं अंदर, तो इसे प्रॉपर बाल को निकाल के इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। इसमें भी रेकरेंस रेट ये भी बदनाम है फिस्टुला की तरह, लेकिन हमने इसका बहुत अच्छा इलाज निकाला है। नॉर्मली इसमें फ्लैप सर्जरी करते हैं जिसमें महीना बेड रेस्ट करना पड़ता है, 5 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है और रेकरेंस रेट 5-10% है। हमने जो ट्रीटमेंट निकाला है लॉकुला, वो लोकल एनेस्थीसिया में होता है, पेशेंट 1 घंटे बाद काम पे वापस चला जाता है, कोई बेड रेस्ट नहीं, कोई हॉस्पिटल एडमिशन नहीं, और वो भरने में 1.5-2 महीने 2.5 महीने लगते हैं, लेकिन रेकरेंस रेट 1-2% है। ओके। तो ये अब मैं रशिया में भी अभी जाकर आया हूँ परसों, वहाँ लाइफ सर्जरी कर आए हैं इसकी हम, और ये अब काफी पॉपुलर हो रहा है। सर, सिक्स्थ क्वेश्चन है, फिस्टुला का ऑपरेशन बिना एमआरआई के करवा सकते हैं क्या? जैसे मैंने कहा कि अगर सिंपल फिस्टुला है, सर्जन को कॉन्फिडेंस है कि छोटा सा फिस्टुला है ये, तो बिना एमआरआई के तो करवा भी सकते हैं। पर अगर आपका फिस्टुला दोबारा हुआ है या थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो दोबारा बिना एमआरआई के करा तो सकते हो, पर दोबारा कोई भी ब्रांच मिस हो गई छोटी सी
दोबारा होने का रिस्क बढ़ जाएगा। सर सेवन क्वेश्चन है, फिशर की सर्जरी के बाद मोस्टली कहते हैं फिस्टुला में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? नहीं नहीं फिशर की सर्जरी अगर ढंग से की जाए, हम तो नहीं करते, हम तो मेजोरिटी फिशर बिना ऑपरेशन की करते हैं, पर बहुत से लोग लेटरल फिस्ट्रोटमी करते हैं, तो कई बार वो अगर अंदर भी कट लग जाए तो वो एब्सेस बन के फिस्टुला बन जाता है। बहुत से नहीं, कुछ परसेंटेज होते हैं, कमी होगी मेरे हिसाब से 2-4-5-10%। एक्चुअली मेरे पास कमेंट्स आते रहते हैं, तो उसमें मोस्टली लोग ये कहते हैं कि मेरी फिशर की सर्जरी हुई है और मेरे फिस्टुला बन गया। अब आप सिर्फ फिस्टुला, अगर आपका 100 कमेंट आते हैं तो ऐसे लोग 2000 ही होते होंगे। बिल्कुल, इसलिए फिशर की सर्जरी का फिस्टुला बनना ही बहुत कॉमन थिंग। तो फिशर की हजारों सर्जरी होती है, पर जिनको फिस्टुला बन गया आपको सबको कमेंट आते होंगे, इसलिए जो ठीक हो गए वो तो नहीं आते होंगे ना। नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कम होता है। सर एट क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम तक फिशर या पाइल्स का इलाज ना कराओ तो क्या फिस्टुला हो सकता है? फिशर अगर नहीं कराया तो गहरा होता तो फिस्टुला बचता है, पाइल्स। नाइन्थ क्वेश्चन है सर, फिस्टुला का ऑपरेशन ज्यादा टाइम तक नहीं करवाने से प्रॉब्लम कितनी बढ़ सकती है, क्या कैंसर हो सकता है? फिशर और पाइल्स का इलाज ना कराने का कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता, लेकिन फिस्टुला का इलाज नहीं कराओगे तो दो चीजें होती है, एक तो फिस्टुला दीमक की तरह अंदर ही अंदर फैलता चला जाएगा, कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा, इसका इलाज और मुश्किल हो जाएगा, और ये माना हुआ तथ्य है कि लॉन्ग स्टैंडिंग फिशर में कैंसर रिस्क कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए फिशर का फिस्टुला का इलाज तो कराना ही पड़ेगा। फिस्टुला का इलाज ना कराने पे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसका इलाज तो कराना ही पड़ेगा। सर टेंथ क्वेश्चन है, फिस्टुला कितने ग्रेड तक होता है? फिस्टुला नॉर्मली 4 या 5 ग्रेड तक होता है, पहले पार क्लासिफिकेशन थी जो 1976 में आई थी, 4 ग्रेड थे, लेकिन अब हमारी क्लासिफिकेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चल रही है गर क्लासिफिकेशन, उसमें 5 ग्रेड है, तो जैसे जैसे मतलब ग्रेड बढ़ते जाएंगे फिस्टुला की कॉम्प्लेक्सिटी और हाइट बढ़ती जाएगी। सर 11th क्वेश्चन है, सिंपल फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला का पता कैसे चलता है, MRI में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ होता नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, MRI में लिखा होना चाहिए, तो पहले कोई क्लासिफिकेशन थी नहीं जिसमें सिंपल या कॉम्प्लेक्स में डिवाइड कर रखा था, कितनी हैरानी की बात है। तो सबसे पहले हमारी क्लासिफिकेशन थी जो 2017 में वर्ल्ड के नंबर 2 जर्नल में छपी थी, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी में, इंग्लैंड के जर्नल में, उसमें हमने बताया था ग्रेड गर्ल ग्रेड 1 और ग्रेड 2 सिंपल है, गर्ल ग्रेड 3-4-5 कॉम्प्लेक्स है। अब ज्यादा से ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट को अपना रहे हैं, जो नहीं अपना रहे उनको अपनानी चाहिए, ताकि अगर वो लिख रहे हैं उसमें गर्ल ग्रेड 2 और सिंपल, तो पेशेंट को भी पता है सिंपल है, कहीं से भी करा लो, पर अगर उसमें वो लिख रहे हैं गर्ल ग्रेड 4 या 5 या 3 कॉम्प्लेक्स, तो पेशेंट को भी समझ आ जाएगा यार ये कॉम्प्लेक्स है, मैं किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं। बिल्कुल सर, ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये हम हर कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं, और अब एक स्मार्ट टेम्पलेट भी निकाला है हमारी रिपोर्टिंग का, उसमें भी गर्ल क्लासिफिकेशन को रिकमेंड किया गया है, तो अगर रेडियोलॉजिस्ट गर्ल क्लासिफिकेशन शुरू कर देंगे तो उससे ये मामला ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। सर 12th क्वेश्चन है, फिस्टुला सर्जरी का इतना ज्यादा रिकरेंस क्यों होता है, क्या रीजन है? वेल फिस्टुला सर्जरी का ऐसे रिकरेंस है, कई कारण है इसके, एक तो दो मसल्स हैं जो स्फिंक्टर मसल को बचाना होता है, फिस्टुला उसके बीच में जड़ें बना देता है, तो उसको बचा के फिस्टुला की एक जड़ को खत्म करना टेक्निकली बड़ा मुश्किल है। दूसरा फिस्टुला में उसको डैमेज के अलावा इसकी जड़ें होती हैं, एक जड़ भी रह गई तो फिस्टुला बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ हमारी की बॉटस आती है। तो तीसरा फिस्टुला में एक्सपर्ट डॉक्टर्स कम है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो और इसमें पोस्ट ऑपरेटिव केयर बहुत ज़्यादा चाहिए, वो लोग डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, पेशेंट भी विलिंग नहीं होते हैं। चौथा एरिया ऐसा है, यहाँ आपने सर्जरी कर दी थी रोज मोशन निकलता है, तो इसे बैक्टीरिया बहुत है, तो इसमें सफाई रखना और जरूरी है, तो ये कुछ कारण है, तो इसलिए एक्सपर्ट सर्जन के पास ही जाना चाहिए, खासकर अगर आपका दोबारा दोबारा हो रहा है या कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है। सर 18th क्वेश्चन है, इंटेस्टाइन तक फिस्टुला पहुंच जाए किसी के तो फिर क्या होता है, ऑपरेशन में क्या करते हैं, बैग लगा देते हैं क्या पेट में? बैग तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, वेल इंटेस्टाइन में फिस्टुला होते हैं, पर एनल फिस्टुला इंटेस्टाइन तक पहुंच जाए ऐसा इसका क्वेश्चन टेक्निकली ठीक नहीं है, ऊपर तो चला जाता है, ऊपर चला जाता है तो क्लॉस्ट्रम बैग तो हम और जितने भी अच्छे सर्जन हैं वो स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि क्लॉस्ट्रम बैग तो लगवाना ही नहीं चाहिए, तो सर्जन अच्छे सर्जन बचाओ, बस ये ध्यान रखो।